मान लीजिए कि पोर्ट पे खड़े जहाज पर किसी वजह से आग लग जाती है। यदि पोर्ट पे खड़े किसी जहाज पे आग लगती है तो पोर्ट का जो फायर फाइटिंग सिस्टम है, फायर फाइटिंग रिस्पॉन्स टीम है, वो तुरंत एक्शन में आता है। जहाज के पास जाकर वो सबसे पहले जो चीज़ खोजते हैं वो है जहाज का फायर प्लान और इंटरनेशनल शोर कनेक्शन। ये दोनों ही चीजें ऐसे स्थान पर रखी होनी चाहिए जहां से कि ये आसानी से प्राप्त की जा सके और बहुत ही क्लियरली इनके ऊपर मार्किंग होनी चाहिए कि क्या क्या चीज है। उसका कारण ये है कि ये भी संभव है कि जहाज का अपना फायर फाइटिंग सिस्टम बेकार हो चुका हो इस आग की वजह से, तो पोर्ट अथॉरिटी अपना पोर्ट का पानी जहाज में इस्तेमाल कर सकती है फायर फाइटिंग के लिए, जहाज की आग बुझाने के लिए। दुनिया के लगभग हर बंदरगाह अलग अलग राष्ट्रीय मानकों से अलग अलग फायर होस कपलिंग कनेक्शन का उपयोग करता है। हम कैसे सुनिश्चित करें कि कपलिंग कनेक्शन की परवाह किए बिना हमारे पास हमेशा पानी की आपूर्ति हो पाए? इसका उत्तर है, इंटरनेशनल शोर कनेक्शन। ये स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाएगी जब किनारे के यानी कि पोर्ट अथॉरिटी के लाए हुए फायर होजेस। जहाज के फायर मेन लाइन से कनेक्ट न हो पाए। सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी सोलास के तहत सभी जहाजों में कम से कम एक इंटरनेशनल शोर कनेक्शन। होना चाहिए, इंटरनेशनल शोर कनेक्शन। को जहाज पर ऐसे स्थान पर रखना चाहिए कि वो किसी भी प्रकार की इमरजेंसी में तुरंत ही अवेलेबल हो जाए, उसको खोजना न पड़े। इस इंटरनेशनल शोर कनेक्शन। का जो साइज है वो एक स्टैंडर्ड होता है और ये हर देश में हर जहाज में एक ही होता है। इसका एक तरफ का जो हिस्सा है वो जहाज के फायर हाइड्रेंट से आसानी से कनेक्ट हो जाना चाहिए। जब जहाज में आग लगती है और यदि किसी कारण से जहाज के पंप पानी सप्लाई करने में सक्षम नहीं होते हैं तो इंटरनेशनल शोर कनेक्शन को तुरंत कार्रवाई में लाया जाता है। इंटरनेशनल शोर कनेक्शन। का जो फ्लैंज वाला हिस्सा होता है उसका स्टैंडर्ड डायमेंशंस होते हैं। आउटर डायमीटर 178 मिलीमीटर, इनर डायमीटर 64 मिलीमीटर, पीसीडी पिच सर्कल डायमीटर या फिर बोल्ट सर्कल डायमीटर 132 mm। एमरजेंसी के समय में होल्स मैच करके बोल्ट डालने का पेशेंस बहुत लोगों में नहीं होता है, तो आसानी के लिए चार स्लॉट्स दे के रखे हुए हैं 19 mm साइज़ के। फ्लैंज की मिनिमम थिकनेस होती है 14.5 mm, 14.5 मिनिमम थिकनेस होती है। 16 mm डाया के चार बोल्ट्स होते हैं नट के साथ, साथ में वॉशर भी होता है। हर बोल्ट की लेंथ होती है 15 mm, 15 मिलीमीटर के चार बोल्ट होते हैं। साथ में एक बराबर साइज का गास्केट भी होता है, रबर गास्केट होता है। इंटरनेशनल शोर कनेक्शन। का दूसरा हिस्सा जहाज के फायर लाइन में लगे हुए फायर हाइड्रेंट से आसानी से कनेक्ट होने वाला होना चाहिए। दुनिया के लगभग हर पोर्ट अलग अलग राष्ट्रीय मानकों से अलग अलग फायर होस कपलिंग कनेक्शन का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनको जब भी अपना फायर होस किसी आए हुए जहाज के फायर लाइन से कनेक्ट करना होता है तो वो इसी इंटरनेशनल शोर कनेक्शन। का प्रयोग करते हैं।